वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आई एम तृप्ति गोयल। हेयर आई एम टीचिंग यू द क्लास 6 चैप्टर 8 नेटवर्किंग। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल नो द वर्किंग ऑफ लैन एंड वैन, द नेटवर्क कंपोनेंट्स, द वर्किंग ऑफ प्रोटोकॉल, द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड इन द लास्ट द एक्सरसाइज विद एक्टिविटी। फर्स्टली वी विल नो अबाउट वॉट इज नेटवर्क। Computer network are created when people want to share something such as printer and internet connection, this specific information within the confines of their business. Computer network हम जो बना है, create हुआ है, वो किस लिए हुआ है कि people अपनी information आपस में share कर सकें, और the wide and abundant variety of information found on the web. Wide means मतलब large amount में हमारी जो information है, या abundant means मतलब पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपस में शेयर कर पाएँ। दैट नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड टू शेयर दीज रिसोर्सेज। जो नेटवर्क है वो अलाउ करता है कम्युनिकेट, मतलब आपस में बात करने के लिए, या फिर रिसोर्सेज कुछ चीज़ शेयर करने के लिए। दो तरीके के नेटवर्क होते हैं। फर्स्टली क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में सीखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म क्या है, लैन, LAN, जो कि हमको सामने फिगर में दिखाया भी गया है। इसमें जो होता है वो आप कंप्यूटर आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो फिजिकल केबल के थ्रू होते हैं, या फिर वायरलेसली भी होते हैं। दैट डज नॉट यूज़ पब्लिक ए कैरी सच एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीफोन और केबल कंपनीज। लैन जो होता है वो यूज़ होता है शॉर्ट एरिया नेटवर्क में, जैसे कि हमारा स्कूल है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं एक लैब के अंदर। तो जो लैन है वो एक शॉर्ट स्पेस में काम करता है, उसकी स्पीड भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, कम होती है। प्रॉब्लम विद वायरसेस एंड एक्सेस। जो वायरस की प्रॉब्लम होती है और इन्फॉर्मेशन को ख़त्म होने की, या फिर उसका इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ होने की जो प्रॉब्लम होती है, वो लैन में थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत आपस में मतलब पास पास होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपस में जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, लैन के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये हम जो लैन है वो हम ज़्यादा दूर का जो नेटवर्क होता है उसको नहीं यूज़ कर पाते। जैसे हमारा हम हैं दिल्ली में और हमें बाई चांस मुंबई में कुछ सेंड करना हो, तो हम लैन के थ्रू नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत कम यूज़ होता है हमारा लैन। सेकेंड है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स और वाइड एरिया नेटवर्क कैन बी थॉट ऑफ एज अ कलेक्शन ऑफ लैन। बहुत सारे लैन को मिलाकर क्या बनता है, वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वैन एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द इंटरनेट बिकम सो पॉपुलर। जो वैन है वो लैन के रिगार्डिंग बहुत पॉपुलर है और उसे बहुत पब्लिकली मतलब यूज़ करती है मोस्टली पब्लिक। सिंस इट वॉज नाइदर प्रैक्टिकली नोर इन मैनी इजेस पॉसिबल फॉर लार्ज कंपनीज टू ऑन द केबल बिटवीन देयर ब्रांचेस। ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप बहुत बड़ी कंपनी है और वो अपने ब्रांचेस के बीच में केबल लगाएगी, या फिर बहुत पास होगी उसकी ब्रांचेस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक इंडस्ट्री होती है, या फिर कोई बिजनेस होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी ब्रांच अलग अलग जगह होती है, जैसे कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, तो ये थोड़ी हम लैन का यूज़ करेंगे। लैन का हम यूज़ तो हम पास के नेटवर्क में करते हैं, इसलिए हम वैन का यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। सो लैन दीज लाइन्स कनेक्टेड देयर लैंस लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज, रीजन्स और कंट्रीज। वैन की क्या है, वैन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर लैन वर्क करता है, जैसे मान लो दिल्ली है, उस ऑर्गेनाइजेशन में लैन वर्क कर रहा है आपस में, और मान लो मुंबई है, उसका भी लैन, तो दो लैन को जोड़ने का काम क्या करता है, वैन करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है नेटवर्क कंपोनेंट। कुछ नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा नेटवर्क आपस में जुड़ा रहता है। फर्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर द शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड अदर कोलैबोरेटिव फंक्शन। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करे गए हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करते हैं। कुछ वेरियस कंपोनेंट्स है, जैसे फर्स्ट क्या है, क्लाइंट्स। अब देखो आपको सामने एक फिगर दिख रही है, उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स किसके थ्रू कनेक्ट है, सर्वर के थ्रू कनेक्ट है ना। तो इस फिगर में ये दिखाया गया है कि हमारे जो क्लाइंट मीन्स अलग अलग जो कंप्यूटर होते हैं, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ सर्वर में जाकर सेव हो जाती है, फीड हो जाती है,
और जब भी हमको नीड होती है तो हम उसको हार्ड डिस्क की फॉर्म में, फैक्स मशीन की फॉर्म में, उस सबको सर्वर से ले सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? सर्वर। सर्वर आर डाटा प्रोवाइडर डेट आर ऑफन लार्ज एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर देन क्लाइंट्स। सर्वर जो है वो क्लाइंट से ज़्यादा पावरफुल है, और वो क्या होता है, स्टोरेज प्रोवाइडर होता है, मतलब वो सब कुछ इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाती है। कंपाइल्स द रिपोर्ट डेट कीप्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग स्मूथली, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। सर्वर माइट ऑल्सो बी यूज एज अ स्टोरेज लोकेशन फॉर एवरीथिंग एवर यूज क्रिएट्स सो दर लोक एवरी वन एज इजी एक्सेस टू इट। फॉर स्मॉल नेटवर्क द सेम कंप्यूटर कैन फंक्शन एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर इन अ पीर टू पीर नेटवर्क वेयर ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल एंड ईच वन इज बोथ डाटा रिक्वेस्टर एंड डाटा प्रोवाइडर। अब देखो, अलग अलग क्लाइंट्स हैं, वो सब चीज़ अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ कर देते हैं, सर्वर में कर देते हैं, सर्वर में सब कुछ सेव हो जाता है। अब अगर मान लो बहुत सारे कंप्यूटर आपस में ना हो कनेक्ट, तो हमारा हम एक कंप्यूटर को ही हम डाटा एज अ क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस नेटवर्क में होता है? वो होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क में, ठीक है। तो वो कंप्यूटर हमारा एज अ क्लाइंट भी वर्क करता है और एज अ सर्वर भी वर्क करता है, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर। नेक्स्ट है हब, स्विचेस और रूटर्स। हब क्या होता है, स्विचेस क्या होता है, रूटर्स क्या होते हैं? हब जो होता है वो एक फिजिकली कनेक्ट करता है कंप्यूटर को, जो कि किस में वर्क करता है, लैन में भी और फैन में भी। ये सब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, चाहे वो वायरलेस करे या फिर थ्रू वायर, मतलब केबल के थ्रू करे, चाहे रेडियो सिग्नल्स के थ्रू करें, सब कुछ क्या होता है, कंप्यूटर आपस में जो कनेक्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो जाती है वो हब के थ्रू जाती है। इसमें एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, वो हब में जिस कंप्यूटर का सेव होता है उस कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन जाती है। जिसका एड्रेस कंप्यूटर का हब में सेव नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन उस कंप्यूटर में नहीं जाती है, वो उसको डिस्कार्ड कर देती है। नेक्स्ट है स्विचेस। स्विचेस से आप क्या समझते हैं? जो स्विचेस है वो क्या है, हब्स हैं डेट प्रोवाइड्स फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। स्विचेस क्या करते हैं? स्विचेस एक फास्टर ट्रांसमिशन है, मतलब जल्दी से जल्दी अपने डाटा को एक से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। लेकिन हब क्या है, हब थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है। जो स्विचेस होते हैं वो सब चीज़ जो पॉइंट्स, स्विचेस के जो पॉइंट हैं, पर्टिकुलर पॉइंट, उनको क्या बोलते हैं हम, पोर्ट्स। क्या बोलते हैं? पोर्ट्स। इंस्टीड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द डाटा टू एवरी कंप्यूटर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, इट सेंड इट डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक पोर्ट, देयर बाय मिनिमाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। रूटर आर सोफिस्टिकेटेड दैन बोथ हब एंड स्विचेस, दे नो हाउ टू पास डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर इन अ लार्ज लैन और वैन और थ्रू आउट द इंटरनेट। जो हब होते हैं वो सब कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है, और डाटा को शेयर करने में हेल्प करता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, बहुत कम है। लेकिन जो स्विचेस होते हैं उनकी स्पीड क्या है, फास्ट है हब के रिगार्डिंग, वो भी सेम वर्क करते हैं, डाटा को एक दूसरे से एक्सचेंज करना, पहुँचाना। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। आपस में सब चीज़ कनेक्ट कैसे होती है? द PCS that make up our network have to connected to each another in a some way. The original method use physical cable containing several strands of wire. The latest method is wireless and use radio frequency. देखो, जो लास्ट पहले जो मेथड था वो सब ये था कि हम सब कुछ केबल से कनेक्ट करते थे, लेकिन अब क्या है, अब सब कुछ वायरलेसली कनेक्ट होता है, ठीक है। All devices are often located in the same room, चाहे वो सेम रूम में कनेक्ट हो या अलग अलग बिल्डिंग में। अब देखो, एक रूम में हमारी तीन चीज़ें, हम उन्हें आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन बाई चांस हमारे सेम रूम में ना हो वो चीज़ें, दूसरे रूम में हो, तो हम उन्हें वायर से थोड़ी ना कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए सब कुछ क्या हो गया है, अब वायरलेसली कनेक्ट होने लगा है। सबसे जो मोस्टली केबल जो यूज़ होता है उसका नाम है ट्विस्टेड पेयर कैट 5 केबल, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो कॉमनली आती है, नॉर्मली आती है 100 मेगाबाइट की। जो स्पीड होती है वो हम दो उसमें नापते हैं, मतलब मीज़र करते हैं, मेगाबाइट और गीगाबाइट में, ठीक है। अब दो और नए इंट्रोड्यूस हो गए केबल, एक तो कैट 5E और एक कैट 6। जो कैट 5 है उसका तो 100 मेगाबाइट है, जो कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन जो कैट 6 और कैट 5E हुआ है उसकी 1000 Mbps, मतलब वो एक सेकेंड में
1000 मेगाबाइट जो डाटा है वो आपस में शेयर कर पाते हैं एक सेकंड के अंदर। वायरलेस कनेक्शन आर पॉपुलर वेयर केबल्स आर डिफ़िकल्ट। जो वायरलेस कनेक्शन है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और जो केबल का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जो हम वायरलेसली अपने अपने जो डाटा है उसको चेंज कर पाते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वाईफाई के थ्रू हमने चेंज करा है। जैसे कि हमारे मान लो दो फ़ोन है हमारे पास, हमने एक का डाटा हमें दूसरे में यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं अपने डाटा को, तो हम सेम डाटा को दो फ़ोन में यूज़ कर पाते हैं। सेम ऐसे ही हम वायरलेसली आपस में कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल मीन्स होता है कोई भी एग्रीमेंट, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक रूल्स मेंटेन करना कि हमारे हमारी इंडिया में या हमारी नेशनलिटी में ये काम इस तरीके से होगा। देखो जैसे एग्जांपल है, हमारे इंडिया में नेशनल एंथम जब होता है तो हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, मतलब पोजीशन एक डिफाइन है, एक फिक्स पोजीशन है। ऐसे ही हमारे नेशनलिटी में ये फिक्स होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन करा जाएगा, कैसे हम किस मेथड से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तो वो सब कुछ मेथड, वो सब कुछ एग्रीमेंट जो होता है वो सब कुछ प्रोटोकॉल के अंदर आता है। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं। फर्स्ट क्या है, टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमको बताता है कि हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन या डाटा को सेंड करें और रिसीव करें। नेक्स्ट है एचटीटीपी, ये हमें बताता है कि हम वेब पेजेस को कैसे रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर सॉकेट्स। अब देखो HTTP में तो हमने क्या करा, वेब पेजेस को सेंड करा, लेकिन इसमें क्या है, हम एनक्रिप्ट्स डाटा बिफोर सेंडिंग इट ओवर वेब। यू कैन यूज़ द लेटर HTTP और URL लाइन व्हेन यू रीच आ वेब पेज आस्किंग फॉर योर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड व्हेन यू अप्लाई फॉर योर पेमेंट ऑनलाइन बिल्स। जब हम कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो उसके ऊपर हमारा HTTP लिखा हुआ होता है या फिर URL लिखा हुआ होता है, ठीक है, ये लिंक्स के नाम हैं जो हमारे दोनों लिखे हुए आते हैं। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालकर हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या, ये एक सिक्योर सॉकेट है जो हम यूज़ कर पाते हैं बिल को पेमेंट करने में। नेक्स्ट है SMTP, सिंपल मोल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई भी मैसेज है वो हम ईमेल के फॉर्म में एक दूसरे को सेंड कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें हम बहुत बड़ा जो फाइल है, लार्ज फाइल सेंड नहीं कर पाते हैं। और ये SMTP क्या है, एक ओल्ड प्रोटोकॉल है, मतलब एक बहुत पुराना प्रोटोकॉल है। अब देखो लार्ज फाइल हम किस प्रोटोकॉल में शेयर करेंगे, तो वो हम करेंगे FTP में, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम सेम वर्क करते हैं, यहाँ अपने ईमेल को सेंड करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ईमेल में हम मैसेज नहीं, हम ईमेल में कोई वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, कोई ग्राफिक, ग्राफिक मीन्स GIF होते हैं ना, और जिसमें एक शॉर्ट वीडियो होती है, हम वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम किस में शेयर कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में, ईमेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोस या अलग फाइल्स। अब देखो, अब हम सुनते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है, एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, मतलब वो कहीं पर भी यूज़ हो सकता है इंटरनेट, और वो इजीली यूज़ होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। जो वेब है, ईमेल है या FTP है, ये सब क्या है, इंटरनेट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है WWW। देखा भी होगा आपने, जब आप कोई गूगल पे खोलते हो या कुछ भी करते हो तो आपको पहले WWW टाइप करना होता है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ हाइपर टेक्स्ट फाइल। ये क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट फाइल्स है, कलेक्शन है। इसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, ऑडियो, ऑडियो से आप क्या समझते हो, ऑडियो होती है सिर्फ आवाज़, ठीक है, उसमें कोई हमारी स्क्रीन शो नहीं होती है, ऑडियो में हमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन वीडियो में क्या होता है, हमें स्क्रीन पर भी शो होता है और आवाज़ भी सुनाई देती है, तो उसे बोलते हैं हम वीडियो। कैन बी एग्जिस्ट ऑन दी इंटरनेट, द वेब इज़ ओनली अ पार्ट ऑन दी इंटरनेट। जो वेब है वो भी किसका पार्ट है, इंटरनेट का एक पार्ट है। अब हम इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, विच इज़ नॉट द टर्म ऑफ नेटवर्क। इन सब में से कौन सा नेटवर्क नहीं है, तो 10 एक नेटवर्क नहीं है, एक ही
कंप्यूटर एज अ क्लाइंट और सर्वर वर्क करता है किस नेटवर्क में करता है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में करता है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल. कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, तो SMPS प्रोटोकॉल नहीं होता है. ऐसे कौन सा कलेक्शन है जो हाइपर टेक्स्ट फाइल्स को और ग्राफिक्स ऑडियो इन सब को एक दूसरे पर भेज पाता है, तो किससे भेज पाते हैं हम, WWW से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे फ्लप्स. कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है हब से ज़्यादा बेटर कौन सा होता है, तो हब से बेटर क्या, क्लाइंट से बेटर क्या होता है, हमारा सर्वर. क्या होता है, सर्वर. नेक्स्ट है जो फिजिकली कनेक्ट करता है आपस में लैन के थ्रू, वो क्या होता है, हब, HUB हब. नेक्स्ट है हमारा हब से बेटर और जो रिसीव कर पाता है डाटा, वो क्या है, स्विचेस. क्या है, स्विचेस. हम मोस्टली जो केबल यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, ट्विस्टेड पेयर कैट 5 केबल. जो वायरलेस कनेक्शन होता है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वाईफाई. क्या बोलते हैं, वाईफाई. हम वेब पेजेस किसके थ्रू सेंड कर पाते हैं, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू हम सेंड कर पाते हैं, तो हम कर पाते हैं HTTP. ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ. फर्स्ट है हमारी लैन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट है WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. नेक्स्ट है TCP या फिर IP, तो TCP की है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP की है इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन है HTTP, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है SMTP, इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है FTP, इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये सब कुछ आपको प्रोटोकॉल के नाम पीछे भी मैंने आपको समझाए थे, आप वहाँ से इसकी स्पेलिंग वगैरह देख सकते हैं. ठीक है, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.